Hello guys, this is your bhai Ashokan with some awesome Sunday special news. Aaj boxing fight hone wala hai between King Floyd Mayweather and YouTuber Logan Paul. Screen pe dekhiye kuch amazing numbers hain yahan pe. Some awesome statistics. Floyd Mayweather is 43 years old. Logan Paul is sirf 25 years old. So basically Floyd Mayweather Logan Paul ka baap hai. Apne career mein Floyd Mayweather ne 50 fights. लॉगन पॉल सिर्फ एक और फ्लॉयड मेवेदर इज 50 आउट ऑफ 50 50 में से 50 जीते एंड लॉगन पॉल इज ज़ीरो विक्ट्री मतलब जो एक खेला था किसी फाइटर के साथ वो भी प्रो नहीं था वो भी हार गया अच्छा सही है एंड 27 केओस फॉर फ्लॉयड मेवेदर ने अपने एंटायर करियर में 27 टाइम्स नॉकआउट द्वारा जीते हैं लॉगन पॉल ऑब्वियसली ज़ीरो एंड बॉडी डायमेंशन वाइज थोड़ा सा एडवांटेज है लॉगन पॉल के लिए क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बॉडी बॉडी से कुछ काम नहीं है इट्स ऑल अबाउट स्किल बट आप स्किल्ड हैं तो बॉडी का एडवांटेज है बॉडी साइज का जो कुछ भी है फ्लॉयड मेवेदर इज 5'8" एंड लॉगन पॉल इज 6'2" अच्छा है और बोले तो दोनों के दोनों ऑर्थोडॉक्स हैं एंड ये जो लास्ट चीज़ है ये शायद से अभी से फ्यूचर में फाइट बिजनेस में बहुत काम आने वाली है इंस्टा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स फ्लॉयड मेवेदर का 23.7 मिलियन फॉलोअर्स एंड लॉगन पॉल का 18.2 मिलियन फॉलोअर्स सो बेसिकली लॉगन पॉल भी बहुत पॉपुलर हैं और इसी की वजह से ये फाइट सारे हो रहे हैं लॉगन पॉल जेक पॉल ये सब बिकॉज दे आर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स दोनों पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं तो दोस्तों मैंने ये एक स्पेशल बात ऑब्जर्व की है धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रियल फाइट की दुनिया में से लोग धीरे धीरे लॉगन पॉल और जेक पॉल के टीम में जुड़ रहे हैं फर्स्ट इट वाज बेन एस्करन शायद उन्होंने स्टार्ट की है देन टायरोन वुडली एंड रिसेंटली अभी योएल रोमेरो ने भी टैग की है लॉगन पॉल को और पोलो कोस्टा ने भी अपने पोस्ट में डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं है बट इनडायरेक्टली उन्होंने भी कहा है यूट्यूबर्स तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियल फाइटर्स अभी क्यों जुड़ रहे हैं इन पॉल ब्रदर्स के साथ जेक पॉल एंड लॉगन पॉल भाई बात बहुत सिंपल है क्योंकि दोनों के दोनों जेक पॉल एंड लॉगन पॉल जैसे कि हमने पहले कहा था कि दे आर वेरी स्मार्ट एंड उनको पता है शायद से कि फाइट बिजनेस कैसे करवाना है हाइप कैसे क्रिएट करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैसा मतलब जो भी मार्शल आर्टिस्ट रियल मार्शल आर्टिस्ट उनके साथ कॉम्पीट करता है शायद ये लोग उनको बहुत बहुत पैसा देते हैं और ये हमने बेन एस्करन के केस में देखा था कि बेन एस्करन के लिए जस्ट अपीयर करने के लिए जस्ट उस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए शायद से ये पता नहीं कि रूमर है कि नहीं बट इट इज़ लाइक ही ईजली गॉट अराउंड $1 million जस्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग तो कहीं ना कहीं तो ये लोग बहुत स्मार्ट हैं जेक पॉल और लॉगन पॉल एंड आई एम श्योर कि डाना वाइट साहब ये सब देख रहे हैं और बिल्कुल नाखुश हैं वो खुश नहीं हैं बट उनके खुश या नाखुश होने से क्या होगा अभी कुछ नहीं मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डाना वाइट और दूसरे फाइट प्रमोशन के ओनर्स उनके रियल फाइटर्स को अगर रियल प्रोफेशनल फाइटर्स को अगर आप सही पैसा नहीं देंगे तो धीरे धीरे सारे के सारे फाइटर्स लॉगन पॉल या जेक पॉल या किसी और के साथ जुड़ जाएंगे मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि यार रियली यार मिक्स मार्शल आर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट सबसे ख़तरनाक स्पोर्ट है तो ऐसे फाइटर्स को भर भर के कैश मिलना चाहिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में थैंक यू गाइस